देखिए हम लोग कॉकरोच की बात कर रहे हैं जिसका जीनस पेरिप्लानेटा है और स्पीशीज अमेरिकाना है, इसको अमेरिकन कॉकरोच बोलते हैं। ये ओमनीवोर स्कैवेंजर नॉक्टर्नल कर्सोरियल होता है, वेरी गुड रनर, पुअर फ्लायर होता है, 1/4 inch to 3 inch होता है, 0.6 to 7.6 centimeter होता है, 34 to 53 mm लॉन्ग होता है, ब्लैकिश ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर का होता है, येलो ग्रीन ब्लू पर्पल रेड कलर के कॉकरोच ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। कॉकरोच में जो एंटीना होता है फिलीफॉर्म होता है जिसमें टेक्टाइल और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। कॉकरोच में टेस्टिस और ओवरी और स्पाइरल जो सब लेटरल पाए जाते हैं। पेरिप्लानेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच की एंटायर बॉडी कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन जिसका नाम स्क्लेराइट है, जो बाहर की ओर क्यूटिकल सिग्नेट करता है। स्क्लेराइट जो डॉर्सल एक्टोराइट वेंट्रल स्टेराइट लेटरल प्यूराइट और इसमें थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है जिसमें स्टिंग ग्लैंड पाया जाता है। स्टिंग ग्लैंड मेम्ब्रेन दोनों में होता है। पेरिप्लानेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच की बॉडी में तीन हिस्से होते हैं। हेड थोरैक्स एब्डोमेन होता है। हेड की बात करूं तो हेड ट्रायंगुलर होता है, 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है, हाइपोग्नेथस होता है और यहाँ पे कॉकरोच की बॉडी और हेड परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। कॉकरोच के हेड में आई कंपाउंड है एंटीना। इसका जो माउथ पार्ट होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। इसमें अपर लिप लोब्रम लेब्रम लोअर लिप लेबियम टंग हाइपोफेरिंक्स इसमें देखिए टीथ के जैसा मैंडिबल है। मैजिला लुक लाइक लेग वर्क लाइक हैंड इसमें लेब्रम लेबियम हाइपोफेरिंक्स ये अनपेयर्ड है जबकि मैंडिबल और मैजिला ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अगर थोरैक्स की बात करें तो थोरैक्स के स्केलेटन को नोटम कहते हैं, तीन भागों में है, प्रो थोरैक्स मेजो थोरैक्स मेटा थोरैक्स। प्रो थोरैक्स के शॉर्ट एक्सटेंशन को हम नेक बोलते हैं, चाहे प्रो थोरैक्स हो या मेजो हो या मेटा हो तीनों में लेग पाए जाते हैं। अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स इन ईच थोरैक्सिक सेगमेंट। लेकिन विंग्स की बात करें तो प्रो थोरैक्स पे विंग नहीं है। जो पहला विंग पाया जाता है वो मेजो थोरैक्स पे है। मेजो थोरैक्स से पाए जाने वाले विंग्स को हम फोर विंग्स कहते हैं, नॉट यूज्ड इन फ्लाइट, एलिट्रा कहते हैं, टेग्मिना कहते हैं, विंग कवर के नाम से जानते हैं। ये डार्क होता है, ये थिक होता है, ये लेदरी होता है, ये ओपेक होता है, जबकि मेटाथोरेसिक विंग हाइंड विंग यूज्ड इन फ्लाइट ये थिन है, मेम्ब्रेनस है, ट्रांसपेरेंट है। याद रखिएगा अगर एब्डोमेन की बात करें तो एम्ब्रियो में 11 सेगमेंट होते हैं, एडल्ट में 10 होते हैं। फीमेल के केस में 7 स्टर्ना फ्यूज हो गया किसे 8 और 9 से और बनाता है गाइनेट्रियम या भ्रूण पाउच जिसके एंटीरियर पोर्शन पे आप देखोगे स्पर्मेटिकल पोर फीमेल मोनोपोर और कोलेट्रियल ग्लैंड। कोलेट्रियल ग्लैंड जो लेफ्ट होता है वो लार्जर होता है, जो राइट होता है वो स्मॉलर होता है। जो लेफ्ट लार्जर है ये मिल्की सिक्रीशन करता है जबकि राइट जो कि स्मॉलर है डाइहाइड्रोक्सीफिनोल को सिक्रीट करता है। गाइनेट्रियम का शेप ब्रूड कैसा बोट शेप होता है आप देखेंगे। फीमेल ब्रूड पाउच में तीन ओपनिंग है, स्पर्मेटिकल पोर की ओपनिंग, स्पर्मेटिकी का पोर। स्पर्मेटिकी कहां है 6 सेगमेंट में है, 1 पेयर पाया जाता है। कॉकरोच की टेस्टिस 4 टू 6 सेगमेंट में है, इसकी ओवरी 2 टू 6 सेगमेंट में पाई जाती है। याद रखिएगा जिस तरह से फीमेल ब्रूड पाउच को आपने देखा जिसमें 7 स्टर्ना 8 और 9 स्टर्ना से फ्यूज है, मेल ब्रूड पाउच की बात करें तो 9 10 टर्गा 9 स्टर्ना से फ्यूज होता है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एनल स्टाइल। एनल स्टाइल 9 स्टर्ना में पाया जाता है, ये केवल मेल में पाया जाता है जबकि एनल सरकाई ये मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है और ये 10th टर्गा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है 10th टर्गा में, याद हो गया।